अभी जो है आपको हम क्या क्या इसमें पढ़ा दिए हैं देख लीजिए, हम आपको लद्दाख पढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर पढ़ा दिए, हिमाचल प्रदेश पढ़ा दिए, पंजाब पढ़ा दिए, हरियाणा पढ़ा दिए, उत्तराखंड तो नहीं पढ़ा है ना अभी। इसके अलावा जो है आपको हरियाणा सॉरी पंजाब और हरियाणा, ये जब दोनों पढ़ा लिए तो आपको चंडीगढ़ पढ़ा दिए। पिछले सैटरडे को हम आपको चंडीगढ़ पढ़ाए थे ना, और चंडीगढ़ का आज मटेरियल आपको दे करके उसका जो क्वेश्चन वाला सेशन है आपको बता भी दिए। 20 क्वेश्चन दिया गया है ना ऑब्जेक्टिव, तो 20 दिया गया है। इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिला करके, यहाँ देखिए हम आज आप लोगों को पढ़ा देते हैं दिल्ली, कौन सा स्टेट, दिल्ली पढ़ा देते हैं। तो जब दिल्ली पढ़ा देंगे तो आपको हम यूटी पढ़ा दिए, कोगो एगो लद्दाख पढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर पढ़ा दिए दो, चंडीगढ़ पढ़ा दिए, और एक अभी पढ़ा देते हैं आपको क्या, दिल्ली। ठीक है, तो यूटी टोटल 8 है ना जी, तो 8 में हम 4 आपको यहाँ पढ़ा दिए, मतलब अब दिल्ली शुरू कर रहे हैं आज। ठीक ना, तो आज जब दिल्ली शुरू कर रहे हैं तो देखो बाबू, दिल्ली के बारे में पहले नक्शा पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा नक्शा में ना, भारत का नक्शा उठाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा, कौन सा स्टेट, दिल्ली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे। ठीक है ना, और दिल्ली में यूटी, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी। दिल्ली के बारे में हम आपको शुरू से जानकारी दे रहे हैं। देखिए दिल्ली को अगर ध्यान से देखिएगा नक्शा पर, चूंकि नक्शा का क्लास है मैप का, तो दिल्ली के बारे में देखिएगा ना, तो दिल्ली तीन ओर से जो है हरियाणा से घिरा हुआ है। तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, हरियाणा से। एक बार देख लो बाबू, यहाँ भाई नक्शा देख रहा है ना, यहाँ दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, और दिल्ली देखिए इधर से भी दिल्ली जो है किससे घिरा हुआ है, हरियाणा से, आ इधर से भी किससे, हरियाणा से, आ इधर से भी। तो अगर कोई भी हम लोग स्टेट देखते हैं तो उसके लिए डायरेक्शन जो होगा ऐसे रहता है, ये NEASW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। तो अगर हम आपको दिल्ली के बारे में बताएं तो दिल्ली कंप्लीट तीन ओर से, तीन ओर का मतलब ये है, सेंस ये है, ऐसे देखिए, ऐसे ये तीन ओर से, इधर से, इधर से, इधर से कंप्लीट जो है दिल्ली किससे घिरा हुआ है, हरियाणा से। नॉर्थ से भी कुछ एरिया, नॉर्थ में भी हरियाणा से घिरा हुआ है, इधर से आप चलिएगा वेस्ट में भी हरियाणा से घिरा हुआ है, आ इधर से चलिएगा साउथ में भी किससे घिरा हुआ है, हरियाणा से। तो दिल्ली जो है तीन ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है, और एक तरफ से, किधर से, एक तरफ से देखिएगा आप, एक तरफ से, तो एक तरफ से आप देखिएगा तो यह यूपी से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूपी से। तीन ओर से दिल्ली जो है किससे, हरियाणा से, आ एक तरफ से किससे, उत्तर प्रदेश से, अर्थात यूपी से घिरा हुआ है। देखिए ये वाला एरिया ये उत्तर प्रदेश का है ना बाबू, तो हरियाणा आप देखिएगा तो यहां तक जाएगा, यहां तक हरियाणा, हरियाणा के बाद हई वाला जो देख रहा है ना, ये वाला है कौन सा, उत्तर प्रदेश, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए दिल्ली जो है, शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि अगर हम बात करें तो इसका जो नींव है या गठन कह लीजिए, चाहे नींव कहिए इसका, तो दिल्ली का नींव पड़ा, अगर हम बता दें आपको नींव, तो यह पड़ा था बाबू 14 दिसंबर 1911 को इसका दिल्ली का, 15 है ना, 15 दिसंबर 1911, ध्यान दीजिए 15 दिसंबर 1911 को दिल्ली का नींव पड़ा था। दिल्ली का नींव कब पड़ा था, 15 दिसंबर 1911 को, ध्यान दीजिएगा ठीक,
15 दिसंबर 1911 में, जरा सोचिए कि 1911 का जो समय था वह निश्चित तौर पर किसका किसका रहा होगा, तो उस समय 1911 का समय जो है अंग्रेजों का रहा था कंप्लीट भारत में। अभी उस समय तो भारत में धीरे धीरे जो है आंदोलन शुरुआत हो रहा था अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के विरोध में, है कि नहीं, 1911 में। तो 1911 में आप देखिएगा तो उस समय 1911 में ये जो नींव पड़ा था तो उस समय जो था ये पुरानी दिल्ली के सेंस में था। किसके सेंस में? पुरानी नहीं बल्कि पुरानी तो मुगलों के समय में था। पुरानी दिल्ली किसके समय में? मुगलों के समय में, यानी मुगल के समय की जो दिल्ली अगर रहे देखेंगे हम लोग तो वह हो जाएगा पुरानी दिल्ली। कौन सा? पुरानी दिल्ली। मुगल के समय की दिल्ली कौन सा? पुरानी दिल्ली, है कि नहीं। तो मुगल के समय आप याद करिए कि पानीपत का युद्ध याद करिए, कब? 1526। अब 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बारे में पता है ना, तो ध्यान रखिएगा पुरानी दिल्ली की। अगर देखिए यहां पर देखिए आप जाइएगा तो अभी हम लोग कहेंगे भारत की राजधानी कहां पर? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली का जन्म तब भी होगा जब उसके पहले पुरानी दिल्ली होगा, समझ रहे हैं ना। तो पुरानी दिल्ली जो था यानी शुरुआत का जो दिल्ली था भारत में, उस समय पुरानी दिल्ली मुगलों के समय का दिल्ली था। किसके समय का? मुगलों के समय, है कि नहीं। हई जो समय हम लिखे हैं, जिस समय नींव पड़ा है दिल्ली का, 15 दिसंबर 1911, ये दिल्ली था अंग्रेजों के समय था। ये अंग्रेजों के समय का दिल्ली। किसके समय का? अंग्रेजों के समय। तीन तरह का समय से ये गुजरा है, देख लीजिए। अगर हम पुरानी दिल्ली की बात करें तो वह कौन सा? मुगलों के समय का दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि उस समय के अधिकांश चीजें दिल्ली में देखिएगा ना तो यह मुगलों के बनाया गया चीज मिलेगा उस समय, है कि नहीं। आप लाल किला ले लीजिए, मोती मस्जिद ले लीजिए, जामा मस्जिद ले लीजिए, है ना। ये जितना चीज जो इंडिया गेट ले लीजिए, है ना जी, ये जितना चीज आप अभी आगे हम आपको बताएंगे, ये सब चीज जो है ना, अधिकांश चीजें जो है आप देखेंगे कि मुगल बादशाहों ने बनवाया उसको, है कि नहीं। तो पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली के बाद आया न्यू, इसका पड़ा कब? 15 दिसंबर 1911, अंग्रेजों के समय की दिल्ली, है कि नहीं। और इसी समय धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम लोग, और 15 दिसंबर 1911 के बाद आप इधर चलिएगा तो इसका उद्घाटन किया गया। इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया बाबू इसका 13 फरवरी 1931। याद करिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था जी, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 ना जी। तो ध्यान दो बाबू यहां पर, उस देखिए इसका नींव पड़ा दिल्ली का 15 दिसंबर 1911 को, अंग्रेजों के समय ये दिल्ली कहा जाएगा, अंग्रेजों के समय का, क्योंकि उस समय देखा जाए ना तो कंप्लीट जो है आप देखेंगे तो उस समय का काल कंप्लीट अधिकार था किसका, भारत में कंप्लीट अधिकार था अंग्रेजों का। तो उसी में से यहां पर देखिए उद्घाटन हुआ है दिल्ली का, उद्घाटन किया गया। कैसे उद्घाटन किया गया? 13 फरवरी 1931 को उद्घाटन किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया इसका, ठीक है। इसके पहले देखिए जब इसका नींव पड़ा दिल्ली का, तो दिल्ली एगो छोटा सा जगह था, यहां पर कोई बहुत बड़ा उस समय एरिया नहीं था, छोटा सा था जब नींव पड़ा था, है कि नहीं। जब नींव पड़ा तो इसका अधिकांश देखिएगा, तो नींव पड़ा तो इसमें बहुत सारा चीज जो है वहां पर बनाया गया, है कि नहीं। लाल किला भी कहां पर मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा। लाल किला कहां मिलेगा? दिल्ली में। मोती मस्जिद कहां मिलेगा? दिल्ली में। जामा मस्जिद भी कहां मिलेगा? दिल्ली में, है ना। मुगल गार्डन कहां मिलेगा? दिल्ली में मिलेगा। लोटस टेम्पल कहां मिलेगा? दिल्ली में। भारत की राजधानी कहां मिलेगा? दिल्ली मिलेगा ना जी। ये सब चीज जितना हम बोल रहे हैं, इंडिया गेट कहां मिलेगा?
दिल्ली में, ठीक है। ये जितना चीज हम आपको बोल रहे हैं ना, राष्ट्रपति भवन कहां पर? दिल्ली। संसद भवन कहां पर? दिल्ली, है कि नहीं। तो जितना चीज ये हम आपको अभी बता रहे हैं, ये सब का सब, ये सब दिल्ली में है। ये सब कहां है? दिल्ली में है। अब देखिए, तो जब दिल्ली का 15 दिसंबर 1911 को अंग्रेजों ने नींव रखा, है कि नहीं, तो दिल्ली को वेल प्लांट के तहत एक सुनियोजित ढंग से बसाया गया, और कहीं लाल किला बना, कहीं जंतर मंतर, जंतर मंतर कई जगह है, लेकिन दिल्ली में जो जंतर मंतर है वह बहुत विशाल है, बड़ा है कि नहीं। तो जंतर मंतर, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, मुगल गार्डन, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, सॉरी वो तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई हो जाएगा, सॉरी इंडिया गेट जो है कहां पर है, ये सब कहां मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा। ये सब कहां मिलेगा? दिल्ली में। अब देखो बाबू, तो ये सारा चीज जब वेल्ड प्लान हो गया, तो अंग्रेज जो है उस समय के वायसराय हुआ कि वायसराय ये थे लॉर्ड इरविन थे, कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो वही दिल्ली का उद्घाटन किए, और वह समय था 13 फरवरी 1931, और 13 फरवरी 1931 वाला जो समय है ना, इसको आप याद रखिएगा, 1931 में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता भी हुआ था, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता, है कि नहीं। और उसी समय ये लॉर्ड जो इरविन है वह दिल्ली का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। अब देखिए, अगर दिल्ली के क्षेत्रफल की हम बात करें, तो क्षेत्रफल जो है बाबू बहुत ही कम ही है, और यह जो है यह 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ दिल्ली का क्षेत्रफल है। यानी दिल्ली का अपना कंप्लीट क्षेत्रफल का कितना है? 1483 किलोमीटर स्क्वायर, 1483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसका नींव पड़ा या गठन हुआ 15 दिसंबर 1911 को, उस समय की दिल्ली को अंग्रेजों की दिल्ली कहा जाएगा, है कि नहीं। उद्घाटन इसका लॉर्ड इरविन ने किया, और वह 13 फरवरी 1931 में किया। अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो क्षेत्रफल जो है 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, हाई कोर्ट भी अगर देखा जाए, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट भी बाबू आप देखेंगे ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, दिल्ली के लिए वो हाई कोर्ट, अब पूरा देश के लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, हाई कोर्ट कहिए चाहे सुप्रीम कोर्ट कहिए, दिल्ली ना जी, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हाई कोर्ट बना बता दिया आपको, जिला, जिला 11 को बाबू, कितना? 11 हो गो, है ना। दरियागंज, पहाड़गंज, दरियागंज, पहाड़गंज, करोलबाग, ये सब जो है वहां के क्या है? जिला है। वहां जाइएगा ना तो दिल्ली में टैक्सी वाला सब बोलता है कि नहीं, ये सब। तो जिला यहां पर देखिए, दरियागंज, दरियागंज, पहाड़गंज, दरियागंज, पहाड़गंज, करोलबाग, करौल बाग, ये सब का सब जो है टोटल वहां पर जिला कितना है भाई? 11 गो जिला है। दिल्ली में टोटल जिला कितना है? 11 गो। उसी में से है एक दो जिला लिख दिए हैं कि दरियागंज, पहाड़गंज, करौल बाग, ये जो है दिल्ली का क्या है? दिल्ली का जिला है, ठीक। अब देखिए, जिला के बाद अगर हम बात करें यहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधान सभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा टोटल बाबू यहां पर 70 गो है। कौ गो है? 70 गो। और 70 गो में से ना 68 गो आम आदमी पार्टी जीत करके, और वहां अरविंद केजरीवाल के माने नेतृत्व में वहां दिल्ली में उन्हीं का शासन है, आम आदमी पार्टी का ही, अभी अभी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, है ना। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के ही भगवंत मान सिंह
वहां के मुख्यमंत्री है पंजाब के, है ना। तो अभी हम बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो कगो है 70 गो, कगो है 70, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करें बाबू, लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्य बाबू यहां 7 गो है, लोकसभा कगो है 7 गो। बिहार में लोकसभा सदस्य कितने हैं, लोकसभा कितने हैं बिहार में 40 गो, कितना 40। उत्तर प्रदेश में सुबह में पढ़ाए हैं आपको कितना 80 गो, उत्तर प्रदेश में 80 गो, बिहार में 40 गो। आ यहाँ हम लोग अगर दिल्ली पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में देखिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कगो 7 गो। राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा सदस्यों की संख्या बाबू यहां 3 है, कितना है 3, राज्यसभा 3 गो है। अब देखिए यहीं पर आपको बता देते हैं भाषा, भाषा यहां पर 3 गो बोला जाएगा, हिंदी उर्दू और पंजाबी, हिंदी उर्दू पंजाबी। तो यहां हो जाएगा आपका हिंदी उर्दू, उर्दू और पंजाबी, हिंदी उर्दू और पंजाबी, ये तीनों भाषा। देखिए दिल्ली में जाइएगा ना आप, तो दिल्ली आपको माने दिल्ली सबका लगता है, सबका लगने का मतलब कि दिल्ली में ना एक चीज आप देखिए यहां पर भाषा जो है हिंदी उर्दू पंजाबी, सबका लगने का मतलब यह है कि दिल्ली में जाइएगा तो भारत के हर जगह के लोग आपको मिल जाएंगे, अन्य शहर में ऐसा नहीं है। अगर आप चेन्नई चले जाइएगा तो उधर अधिकांश लोग जो हैं वहाँ के जो चेन्नई के आसपास के लोग हैं अधिकांश वहाँ के मिलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना तो जब शुरुआत में इसका नींव पड़ा 15 दिसंबर 1911 को अंग्रेजों, तो इसीलिए अंग्रेजों के समय की दिल्ली कहा जाता है, मुगल समय के दिल्ली जो है इसके पहले का समय है कि नहीं। अब देखिए उद्घाटन करता 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन थे। अब देखिएगा कि जैसे ही इसको दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो इसका डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ, इतना तेजी से हुआ कि इधरों से आदमी आ गए, इधरों से सब, यानी भारत के हर कोने कोने से यहां पर आदमी आ गए और भयंकर भीड़ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए दिल्ली में जाइएगा तो ना तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, उर्दू बोलिए, पंजाबी बोलिए, हरियाणवी बोलिए, सब भाषा के समझने वाले लोग आपको मिलेंगे, है कि नहीं। क्योंकि वहां पर हर क्षेत्र के लोग, राजधानी है ना तो हर क्षेत्र के लोग, और हर क्षेत्र के लोग आने से फायदा यह हुआ है कि वहां पर मिक्स संस्कृति सभ्यता हो गई है कि नहीं। और किसी तरह का कोई भी जो है, देखिए राजनीतिक रूप से तो भाई राजनीतिक रूप से तो दिल्ली का अपना एक स्थान ही है भारत में, क्योंकि राजधानी है, जितना नेता परेता बढ़िया बढ़िया है वहीं पर ना बैठता है जी, है कि नहीं। संसद भवन दिल्ली में ना है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ना है कि नहीं। बहुत सारा चीज जो है आपको दिल्ली में मिल जाएगा। वहां पर आप देखिएगा कभी भी क्षेत्रवाद को लेकर के, यानी क्षेत्र को लेकर के कभी भी वहां विवाद नहीं हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि भारत के कोने कोने से लोग जो है दिल्ली में रहते हैं, और उससे फायदा ये है कि हर धर्म हर मजहब के लोग जो है कंधा से कंधा मिला करके एक दूसरे से अपना चलते हैं, वहां पर परेशानी नहीं है, है कि नहीं। वहीं आप मुंबई में चले जाइएगा तो हम सब जो है ना हमेशा विवाद किया रहता है, सब कहेगा क्षेत्रवाद, कहेगा कि बिहार का है तो यहाँ आदमी बिहार का नहीं रहेगा, कहेगा कि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का नहीं रहेगा, इस तरह का क्षेत्रवाद करता है। लेकिन दिल्ली में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भाषा देखिए हिंदी उर्दू पंजाबी, ठीक है। अब देखिए राजकीय पशु की बात करें अगर हम दिल्ली का, तो पशु जो है ना लंगूर है, पशु क्या है लंगूर, पशु है लंगूर, कौन सा है पशु लंगूर। पक्षियों बताए थे तीतर, पक्षी कौन सा तीतर। अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी यहां पर आपका राजकीय पक्षी यहां तीतर हो जाएगा, तीतर समझते हैं ना, एक पक्षी है तीतर, अभी भी उधर देहात साइड में रहता है, बोलता है ना जी। तो तीतर हो गया, पक्षी कौन सा तीतर, आप पशु लंगूर हो गया, ठीक है। ये इतना जो जानकारी आपको दिए हैं दिल्ली के बारे में, हर ये तमाम विद्यार्थी को जानना चाहिए जो अभी प्रिपरेशन पीरियड में हैं,
है कि नहीं। दिल्ली क्या, हर स्टेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर है बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के बाद थोड़ा सा अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब पुरानी दिल्ली अंग्रेजों के, पुरानी दिल्ली किसके समय के, मुगलों के समय की दिल्ली, बीच में है 15 दिसंबर 1911 के समय की दिल्ली को क्या कहा गया, अंग्रेजों के समय की दिल्ली। और वर्तमान दिल्ली जो है, अभी वर्तमान का अभी का जो समय है 15 अगस्त 1947 से लेकर के अभी तक के समय को वर्तमान दिल्ली कहा जाएगा। तो वर्तमान दिल्ली की राजधानी कहाँ रखा गया, नई दिल्ली। कहाँ रखा गया है, नई दिल्ली। तो राजधानी भी इसमें तो हम आपको बताए हैं कि नहीं। तो राजधानियों जान लीजिए, राजधानी आपका कहाँ पर, राजधानी नई दिल्ली। एकदम ध्यान से देखिएगा, नई दिल्ली। अब देखिए, राजधानी नई दिल्ली। देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ, जब 15 अगस्त 1947 को, देखिए 13 फरवरी 1931 को उद्घाटन करते हैं लॉर्ड इरविन दिल्ली का, और उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन करने का मतलब ये है ना कि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ आया तो पहले से मुगल का जो शासन चल रहा था वहाँ पर, हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कि मुगल का शासन कैसे कैसे यहाँ पर फलीभूत हुआ, और पहले के जमाना में, प्राचीन काल में, इतिहास के हिसाब से प्राचीन काल में, यानी एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको बताया जाता है ना कि दिल्ली से ही अगर दिल्ली पर शासन हो जाता था ना किसी भी शासक का, तो वो पूरे भारत पर शासन करता था दिल्ली से ही। सिराजुद्दौला को याद करिए आप, है कि नहीं। तो धीरे धीरे वह पूरा भारत पर शासन करता था, तो दिल्ली को ना केंद्र बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था, है कि नहीं। धीरे धीरे जब दिल्ली आगे बढ़ता है तो 15 दिसंबर 1911 अंग्रेजों के समय की दिल्ली, उद्घाटन इसका 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन करते हैं। अब क्या होता है कि इसी समय उद्घाटन के बाद गांधी इरविन समझौता होता है, और धीरे धीरे जो है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भारत में उस समय दूगो, हिस्ट्री पढ़िएगा तो दूगो आपको मिलेगा ये दल, एगो नरम दल एगो गरम दल, ठीक है। नरम दल का काम था कि कोई भी बात विवाद, कोई भी दंगा फसाद हो गया तो अंग्रेजों के साथ उस पर बैठक करके, उसमें लीड रोल में महात्मा गांधी थे, बैठक करके और उसको शॉर्ट आउट करके, और आजादी की लड़ाई को कभी भी जो है मुरझाने नहीं देना है, उसको आगे बढ़ाते चले गए। कौन, महात्मा गांधी। नरम दल का काम ये था, है कि नहीं। आ गरम दल का काम ये था कि जहां कोई भी मिल जाए उस साइड का, यानी अंग्रेज का, तो पूरा लाते लाते थूर देना है पूरा, है कि नहीं। जैसे जो जहां मिले वैसे जो है उन लोगों के मनोबल को तोड़ना है, क्योंकि 200 वर्ष तक शासन करना, देखो 1600 में आया सब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, 1600 में लोग आए सूरत में, और 1600 से लेकर के आप याद करो, एक आप पढ़े लिखे आदमी हो, 15 दिसंबर 1911 13 फरवरी 1931, तो 1600 से 1919 तक 200 साल हुआ ना जी। तो जब 200 साल कोई आपके आपके यहाँ शासन कर लेगा तो निश्चित तौर पर वह अपना एक जड़ बना लेगा, और वह अपना हर चीज भारत के एक एक चीज के बारे में जान जाएगा, है कि नहीं। तो भारत के जितने भी महान पुरुष थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को बहुत बड़ी चुनौती थी, कोई भी कुछ करता था ना तो तुरंत उठा के जेल में डाल देता था, इसलिए कोई डर के मारे बोलता ही नहीं था। वो तो ऐसे ऐसे भारत माता के वीर सपूत हुए क्रांतिकारी लोग, और कुछ नरम दल के लोग जो है, नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, और क्रांतिकारी दल में कोई नेतृत्व करता ही नहीं था, अपने आप में जो सब हीरो ही थे, जैसे भगत सिंह को ले लीजिए, खुदीराम बोस को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, है कि नहीं। तो दोनों दल रहना बड़ी जरूरी था, और दोनों दल में जब वायलेंस हुआ, दोनों दल से जब वार्तालाप होने लगा, और तब जाकर के भारत की आजादी जो है आपको मिली और हमको मिली, बड़ा कुर्बानियां देना पड़ा है, है कि नहीं। तो जैसे ही ये 13 फरवरी 1931 के बाद आप याद करिए, दिल्ली जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, और समय था 15 अगस्त 1947, जैसे ही देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और इसके बाद से अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि भारत का जनसंख्या इतना बड़ा है, एक तो कि भारत के जितने भी राज्य थे वो कहीं दूसरे देश में न जाने का मांग करें, दूसरे जगह पर न जाने का मांग करें, उसको इकट्ठा करना, उसको एक साथ रखना, और दूसरी कि भाई भारत की संस्कृति सभ्यता और साथ साथ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक भौगोलिक हर दशा बिगड़ा हुआ था, उसको कैसे सुधारा जाए, बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चुनौती था, है कि नहीं। तो
तब क्या किया गया कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है तब उसी समय जो है दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। दिल्ली को क्या बनाया जाता है? राजधानी। तो इसीलिए हम राजधानी कहाँ लिखे हैं? नई दिल्ली। तो जैसे ही राजधानी बनता है दिल्ली, तो अब क्या हुआ कि एक बार दिल्ली जैसे ही राजधानी बना तो क्या हुआ कि इधरों से लोग दिल्ली में आने लगे, इधरों से हर तरह से भारत के कोने कोने से जो है लोग जो है किसी भी दृष्टिकोण से आने लगे, मतलब पढ़ाई के लिए, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे आर्थिक तौर पर, कमाने के लिए कोई गया तो गया ना जी, सामाजिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, घूमने ही फिरने के लिए कोई जा रहा है कि चलिए थोड़ा मोती मस्जिद घूम लेते हैं, लाल किला घूम लेते हैं, लोटस टेम्पल घूम लेते हैं, इंडिया गेट घूम लेते हैं, है कि नहीं? ये सब वहां पर है ना जी, पार्क वगैरह भी बड़ा बढ़िया बढ़िया है वहां पर, छोटुआ छोटुए के लिए, है कि नहीं? बहुत बेहतरीन। हम तो वहां कुछ दिन रहे भी है ना, तो ध्यान रखिएगा यहां। तो कोई भी दृष्टिकोण से जब वहां पर लोग गए तो भयंकर भीड़ हो गया दिल्ली में। दिल्ली में भयंकर क्या हो गया? भीड़ हो गया, है कि नहीं? और जब दिल्ली में भयंकर भीड़ हो गया तो देखिए, जब भयंकर भीड़ हो गया तो जाहिर सी बात है भाई, उसका विस्तार आपको करना पड़ेगा। तब विस्तार के तौर पर अब दिल्ली को डेवलप्ड करने का एक चुनौती आ गया। जो भी शासन प्रशासन में लोग थे, अरे पहले तो कांग्रेस है ना था जी, 1947 से लेकर के और बहुत दिन तक तो कांग्रेस है ना शासन किया, है कि नहीं? तब ना धीरे धीरे भाजपा अपना पांव पसारी। तो भारत में तो दो ही पार्टी अभी मुख्य रूप से है, बाकी तो अलायंस है। अब देखिए, तो जैसे ही भीड़ हुआ तो अब दिल्ली को डेवलप करने का समय आ गया, अब यहां पर जो है इसके विकास का समय आ गया। अब क्या हुआ, ये भीड़ को देखते हुए हरियाणा का कुछ एरिया ले लिया गया। कुछ एरिया, देखिए दिल्ली जो था एनसी तो पहले से है, एनसी माने नेशनल कैपिटल माने राष्ट्रीय राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली तो है ही। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उसके पहले से भारत की राजधानी कहां थी? दिल्ली थी। अब देखो बाबू, तो जब एनसी तो भारत ये दिल्ली पहले से था, लेकिन यहां भयंकर भीड़ होने के चलते क्या किया गया कि हरियाणा का कुछ एरिया ले लिया गया। कुछ एरिया कहाँ का? हरियाणा का। आ कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का ले लिया गया, है कि नहीं? और इसको बना दिया गया, एनसी तो पहले से था दिल्ली, इसको बना दिया गया एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है बाबू नेशनल कैपिटल रीजन। बाबू ध्यान दो, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया। कुछ एरिया हरियाणा का आ कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का लेकर के और दिल्ली का विस्तार करते हुए एनसीआर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एनसीआर। और एनसीआर का मतलब होता है, जैसे एनसी तो पहले से दिल्ली था, नेशनल कैपिटल तो दिल्ली है ही, आर जुट गया इसलिए क्योंकि हरियाणा का कुछ क्षेत्र हम लोग ले लिए, और कुछ क्षेत्र कहाँ का ले लिए? उत्तर प्रदेश का। दो गो स्टेट का हम लोग सहारा लिए हैं दिल्ली को डेवलप करने में। तो एनसी पहले से था, आर जुट गया इसमें, रीजन माने क्षेत्र शासन, ये सब होता है कि नहीं? तो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। और हुआ क्या कि दिल्ली के आसपास का हरियाणा का जो एरिया था, जैसे जब हम आपको पढ़ा रहे थे हरियाणा, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद को बताए थे ना, गुड़गांव और फरीदाबाद को बताए थे कि यह नेशनल कैपिटल में आता है, एनसीआर में आता है। किसमें आता है? एनसीआर में। अब चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि एनसीआर का मतलब क्या है। अब जितना भी एरिया इधर से ले लिया गया हरियाणा से, और इधर से ले लिया गया कहां से? उत्तर प्रदेश से, ठीक। अब विस्तार करके और निर्माण कर दिया गया एनसीआर का। तो कोई भी स्टेट जो है ऐसे ही थोड़े ना अपना क्षेत्र दे देगा। अब विवाद होने का स्थिति आ गया, इधर से हरियाणा से, इधर से उत्तर प्रदेश से, है कि नहीं? तो जो शासन प्रशासन में लोग थे, घोषणा किया गया उनसे, उनके द्वारा, कि भाई आप चिंता ना करें, आपका जो भी एरिया हम लोग लिए हैं,
है कि नहीं। एनसीआर में जो भी एरिया चाहे वो हरियाणा का शामिल हुआ हो और चाहे वह उत्तर प्रदेश का शामिल हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार के तहत, केंद्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। क्या करने के लिए? डेवलपमेंट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एनसीआर में जितना भी एरिया चाहे वो हरियाणा का लिया गया हो चाहे उत्तर प्रदेश का लिया गया, उसके लिए विशेष पैकेज दिया जाता है केंद्र सरकार के तरफ से, उस क्षेत्र का विकास के लिए, तेजी से उसका विकास हो। और बहुत तेजी से, मैं बता दूं आपको, बहुत तेजी से उसका डेवलपमेंट हुआ है, बहुत तेजी से विकास हुआ है, है कि नहीं। और इधर से हरियाणा में से जो भी लिया गया है एरिया उसका, और इधर से उत्तर प्रदेश से जो भी एरिया लिया गया है, जैसे ये लिया गया है फरीदाबाद और गुरुग्राम, तो देख लो फरीदाबाद और गुरुग्राम कितना डेवलप्ड हो गया है। अगर हरियाणा में रहता तो उतना डेवलप्ड नहीं रहता, लेकिन एनसीआर में जैसे ही शामिल हुआ तो विशेष पैकेज मिलता है उसके सड़क के लिए, वहां माने हर चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए ना एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार देती है। जितना भी एनसीआर में एरिया लिया गया है उसके लिए विशेष पैकेज दिया जाता है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखो बाबू, यहां देखिए, समझिए, तो जैसे ही यहां पर एनसीआर की स्थापना किया गया, ठीक है, तो ये एरिया हो गया अब एनसीआर वाला, यानी दिल्ली जो था उसका विस्तार करते हुए एनसीआर की स्थापना कर दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन का, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक। इस एरिया में दिल्ली के, दिल्ली तीन ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है, तीन ओर से किसे घिरा हुआ है? हरियाणा से। और तीन ओर से हरियाणा के अलावा एक ओर से किसे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश। एक ओर से उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी आप फिलहाल में देखिएगा ना, तो दिल्ली में एनसीआर के साथ साथ, एनसीआर जो बना है उसमें तीन तरह का, दिल्ली में तीन तरह का गवर्नमेंट काम कर रही है। एक वो जो बाबू काम कर रही है गवर्नमेंट, वह है डीडीए। डीडीए, डीडीए का मतलब है बाबू, देखिए, नाली, सड़क, है कि नहीं, इस सब का जितना भी देख रेख है, नहीं नाली सड़क नहीं, जमीन और मकान वगैरह का जो डेवलप, माने जमीन और मकान की जो जिम्मेवारी है वह किस पर है? डीडीए पर है। किस पर है? डीडीए। डीडीए का फुल फॉर्म है बाबू यहां पर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए का फुल फॉर्म है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या कहते हैं, किसका किसका जी? जमीन और मकान, इस सब का देख रेख जो है, चाहे वह एनसीआर में हो और चाहे वह दिल्ली में हो, है कि नहीं, उस सब का जिम्मेवारी किसके ऊपर है? डीडीए के ऊपर है। कि कौन कौन? मकान और जमीन। जमीन से संबंधित जो भी विवाद आएगा तो आप डीडीए, उसको डीडीए सॉर्ट आउट करेगा। कौन करेगा? डीडीए। क्योंकि बड़ा बड़ा जो जगह है उस सब का में एक ही चीज नहीं करेगा, उसके लिए बांट दिया गया है, है कि नहीं। तो जमीन और मकान की जो भी विवाद, या जमीन और मकान का कैसे डेवलप्ड होगा, कैसे उसको विस्तार दिया जाएगा, कैसे दिल्ली को और डेवलप्ड किया जाएगा, ये सब की अगर देखा जाए तो जिम्मेवारी किसके ऊपर है? डीडीए के ऊपर है। डीडीए माने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी माने प्राधिकार होता है ना, प्राधिकरण होता है। अब देखो बाबू, अब यहां पर नाली ना जी, नाली गली, नाली सड़क, स्कूल, है कि नहीं, ये सब जो है ये आपको, माने आप खुद पर भी देख लीजिए, हम लोगों के यहाँ नली गली वाला जो काम है या सड़क वाला जो काम है कि नहीं, नगर परिषद करता है ना, है कि नहीं। तो नाली, नली गली, सड़क, स्कूल, है कि नहीं, ये सब का जिम्मेवारी जो है उसको एमसीडी को दिया गया है। एमसीडी किसको दिया गया है? एमसीडी। एमसीडी का मतलब होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कंप्रेसर ऑफ दिल्ली ना जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना। म्युनिसिपल का मतलब होता है ना, जैसे नगर परिषद है ना, तो उसी तरह से वहां एगो बनाया जाता है एमसीडी, है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा क्या क्या? नाली, नाली गली ना जी, सड़क, सड़क
पार्क, पार्क वगैरह सब इसी में आएगा, पार्क और स्कूल, ये सब बाबू जिम्मेवारी किसके ऊपर है? एमसीडी के ऊपर। हर बड़े शहर में ना एमसीडी होता है। आपको याद करिए एक घटना, ये कंगना रनौत है ना, उसका घर अवैध तोड़ दिया गया था, कुछ ऐसा इशू आया था, है ना, जानते हैं कौन तोड़ा था? एमसीडी, है ना। तो वहां पर जो रहेगा एक होता है ना निगम, निगम कॉर्पोरेशन माने क्या होता है, निगम होता है। तो आप जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, ये सब का इस पर किसकी जिम्मेवारी है? नाली की जिम्मेवारी है, गली की जिम्मेवारी है, सड़क की जिम्मेवारी है, पार्क की जिम्मेवारी है, स्कूल की जिम्मेवारी, ईटीसी। इस तरह का जो भी चीज आएगा वह एमसीडी के पास जाएगा। किसके पास? एमसीडी। और डीडीए के पास मकान जमीन से संबंधित जो भी विवाद होगा या जो भी डेवलपमेंट की बात आएगा वह किसके पास जाएगा? डीडीए के पास। ठीक है, विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधान परिषद ना वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की, है ना। झाड़ू छाप अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, है ना जी। तो बाबू ध्यान दो, यहां पर, यहां पर आपकी पार्टी है, आप माने आम आदमी पार्टी। तो हाँ, विधानसभा, विधान परिषद यहां कह दिए, सॉरी, विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा की जो जिम्मेवारी है, यानी विधानसभा में वहां के कौन लोग बैठेंगे? आप, ना जी, आप पार्टी के लोग बैठेंगे। कहे कि 70 गो विधानसभा का सीट है जिसमें 68 गो कौन जीत लिया है? आम आदमी पार्टी जीत लिया है। तो वहां पर विधानसभा में कौन बैठेंगे? आम आदमी के मेंबर बैठेंगे, ना जी, आम आदमी के एमएलए बैठेंगे, है ना, मेंबर ऑफ एमएलए नहीं जी, विधायक, विधायक बैठते हैं इसमें, सॉरी। तो उसमें देखिए, तो ये आम आदमी के यहां पर बैठेंगे, ठीक है। आई वहीं पर अगर देखिए पुलिस की जिम्मेवारी अगर देखा जाए, पुलिस की, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है बाबू? सेंट्रल गवर्नमेंट। देख लो, चार तरह का काम, चार तरह के लोग यहां पर काम कर रहे हैं दिल्ली में। कितने तरह का? चार तरह का। अभी चार तरह का शासन दिल्ली में चल रहा है। इतना आसान नहीं है दिल्ली को संभालना, इसीलिए अलग अलग बना दिया गया है। डीडीए को मकान और जमीन की जिम्मेवारी, एमसीडी को नाली गली और सड़क पार्क और स्कूल, ये सब किसके जिम्मा रहेगा? एमसीडी के जिम्मा रहेगा। विधानसभा वहां का कौन संभालेगा भाई? विधानसभा, यानी कोई भी अगर योजना पास करना है तो विधानसभा में ना पास कराइएगा आप, स्टेट से संबंधित जो भी योजना रहेगा। तो वह आम आदमी पार्टी के वहां मेंबर बैठ करके वहां पर शॉर्ट आउट करेंगे। और पुलिस की जिम्मेवारी कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। आप देखिएगा ना, तो वहां पर पुलिस का, वहां की खुद स्थानीय पुलिस भी ना आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं समझता है। वहां का स्थानीय पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, अरविंद केजरीवाल के घर में घुस जाती है छापा मार, माने ये करने के लिए, कोई ऐसा इशू आता है कि नहीं? क्योंकि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जो शासन है वह किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है, होता है ना जी। अब मजा है कि बिहार का, बिहार पुलिस मुख्यमंत्री के घर में ढुक जाएगा, नीतीश कुमार के घर में थोड़ा ढुक ना जाए? नहीं ढुकेगा, उसके लिए बाहर से पुलिस मंगवाना पड़ता है। कोई ऐसा घटना कर दिए तो उसके लिए बाहर से पुलिस आएगा और ये सब वगैरह को बुलाना पड़ेगा, सीआरपीएफ वगैरह या कमांडो वगैरह आते हैं, है कि नहीं। और वहां पर तो दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर में घुस जाती है। उसके पीछे रीजन यही है कि वहां पर पुलिस जो है वह कंप्लीट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में। किसके अधिकार क्षेत्र में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार। तो अभी दिल्ली में वर्तमान में देखिएगा ना, तो चार तरह का शासन चल रहा है। एगो डीडीए, एमसीडी, विधानसभा और पुलिस, ये चारों अलग अलग ये है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत दिल्ली से संबंधित? धीरे धीरे आपको हम आगे ले चल रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए एक बार आप लोग सभी लोग बताइए, इतना देर से हम बता रहे हैं, आप सभी बताइए एक बार, तो लाइट रिवीजन दे देते हैं। बताइए तो कि दिल्ली तीन ओर से किस राज्य से घिरा हुआ है? सब लोग बोल दीजिए, किसे? हरियाणा से घिरा हुआ है। किसे? हरियाणा से, ठीक है। आ एक ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो कुछ एरिया हरियाणा का, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का लेकर के बनाया गया है का
एनसीआर, एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। बताइए तो गुड़गांव नेशनल, गुड़गांव एनसीआर में आता है? आता है। फरीदाबाद एनसीआर में आता है? आता है, आता है ना। चलिए ये सब चीज हो गया। अब बताइए, मत बताइए, मकान जमीन और पेड़ पौधा की जिम्मेवारी किसकी है? डीडीए की है। किसकी है? डीडीए। पेड़ वाला इसमें आ जाएगा, मकान जमीन याद रखिएगा इसमें डीडीए। अब बताइए कि नॉली गली सड़क पार्क स्कूल एमसीडी, कौन सा? एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक ना। अब बताइए विधानसभा वहां पर किसका कब्जा है? आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल वहां के क्या है? मुख्यमंत्री है, है ना जी। अब चलिए पुलिस की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो यहां पर हम लिखे हैं बताइएगा, आप सभी सबको याद हो गया है ना। चलिए बताइए न्यू कब पड़ा दिल्ली का? 15 दिसंबर 1911 को। देखकर बता रहे हैं? नहीं, देखकर नहीं बताइए। 15 दिसंबर 1911। उद्घाटन कब किया गया? 13 फरवरी 1931 को। लॉर्ड इरविन, कौन? लॉर्ड इरविन उद्घाटन किया था दिल्ली का 13 फरवरी 1931 को, ठीक है ना। अब चलिए उद्घाटन के बाद आप बता दीजिए क्षेत्रफल दिल्ली का कितना है? 1483 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। हाई कोर्ट बता दीजिए? न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ है भारत का? न्यू दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली है ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ? न्यू दिल्ली, ठीक है। अब बताइए जिला कितना है? जिला 11। दरियागंज, पहाड़गंज, करोलबाग, ये सब वहां के जिले हैं, ठीक ना। विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा कितना? 70। राज्यसभा 3 गो, राज्यसभा कौगो? 3 गो। आ लोकसभा 7 गो, लोकसभा 7 गो, आ राज्यसभा 3 गो। राजधानी कहाँ है भारत का? नई दिल्ली। भाषा बता दीजिए, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। पशु यानी राजकीय पशु लंगूर, आ पक्षी तीतर, पक्षी कौन सा? तीतर। अच्छा भाषा के बारे में हम हर जब जो स्टेट पढ़ाते हैं बताते रहते हैं। भाषा तो आपको सबको याद है ना, भारत में टोटल 8वीं अनुसूची में कौन-कौन भाषा शामिल है? 22 गो ना। उधर से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, आ उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 22 गो भाषा बताए थे ना आपको, है ना। तो ये भाषा हमेशा आप रिपीट करते हैं, इसमें 6 गो क्लासिकल भाषा बताए थे, ये सब चीज जो है आप रिपीट करते जाइएगा। और कल के क्लास में इसके आगे हम लोग जो है दिल्ली के बारे में इसके आगे हम बताएंगे कल के क्लास में। कोई दिक्कत?